शुक्रिया राजीव जी। हरियाणा का चुनाव अब एक तरफा है, इसमें अब कोई संशय नहीं रहना चाहिए। और हरियाणा के चुनाव को एक अलग स्तर पर, अलग ऊंचाई पर ले जाने का काम प्रियंका गांधी और विनेश फोगाट करती दिख रही हैं। मैं इन दोनों का नाम इसलिए ले रहा हूं कि महिलाओं के साथ जो संपर्क है, जो अभिव्यक्ति है, संवाद है, उसमें जो महिलाओं के लिए एक संवेदनशीलता है, वो इन दोनों महिलाओं में दिखती है जब ये बात करती हैं। क्योंकि संघर्ष का भी अतीत है, और इसके साथ आपने जो तस्वीर दिखलाई राहुल गांधी की, वो भी महिलाओं से संबंधित, जब वो खेत में गए थे महिलाओं के साथ में, वो खेत में हमें याद है खटिया पर भी बैठे थे, तस्वीरें भी खिंचाई थी, पैर में कादो भी लगा था, मिट्टी भी लगा था, ये सारी तस्वीरें थी और धान बोने का समय था। तो वो जो तस्वीरें थी वो नए सिरे से जिंदा हुई हैं, जब वही महिलाएं, वही घर के लोग घर धान ले जा करके राहुल को देते हैं, इच्छा जताते हैं कि शादी में आना चाहते हैं, शादी के लिए शुभकामनाएं देते हैं, उसी तरह बुलाइए जिस तरह हमें खाने में के लिए घर पर बुलाया था। यानी सोनिया गांधी जी भी घर पर बुलाई थी इन महिलाओं को, इनका डांस भी देखा था, इनकी गीत भी देखे थे। तो ये जो कनेक्शन है पूरे गांधी परिवार का हरियाणा की महिलाओं से, वो कनेक्शन एक बार जिंदा हुआ है नए सिरे से। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने जिंदा किया है, और प्रियंका गांधी ने विनेश फोगाट के साथ मिलकर के जो बातें आज भी रखी हैं, जो लोगों से मिल रहे हैं, जो संवाद हो रहा है, उसका सीधा सा संबंध यही है कि इस देश की, नरेंद्र मोदी की सरकार महिलाओं का सम्मान नहीं कर रही है। और जब जरूरत का एकदम मुश्किल समय में वक्त होता है, उस समय ये सरकार मुंह फेर लेती है, और विनेश फोगाट उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जंतर मंतर की घटना हो या फिर ओलंपिक से वो पदक नहीं मिल पाने का वाकया, जिसके बारे में विनेश फोगाट बता रही हैं, कई इंटरव्यूज में बताया है, खुलासा किया है कि पीएम ने उनको फोन किया था लेकिन विनेश फोगाट ने मना कर दिया मिलने से, बात करने से फोन पर। और उसकी वजह यह थी कि फोन पर यह कहा गया था, नरेंद्र मोदी जी ने फोन नहीं किया था, उनके ऑफिशियल्स ने आए थे और कहा था कि नरेंद्र मोदी जी बात करेंगे और उसको सोशल मीडिया पर रिकॉर्ड करके डालेंगे। तो विनेश फोगाट ने कहा कि हम अभी सोचा कि हम अभी टूटे हुए हैं, हमारी भावनाएं आहत हैं, हम इमोशनल होंगे, तो हमारी भावनाओं को सोशल मीडिया में क्यों भेजा जाएगा? अगर प्रधानमंत्री जी को बात करनी है तो बिना रिकॉर्डिंग के बात करें। तो इस तरीके से वो बातें भी सामने आई हैं, विनेश फोगाट ने भी वो बताया है। और विनेश फोगाट ने ये भी बताया है कि जब वो टूट गई थी, जब वो देश छोड़ना चाहती थी, हिंदुस्तान में रहना नहीं चाहती थी, खास करके उस घटना के बाद जब एक हाथ में तिरंगा था और उसके बाद जमीन पर उनको घसीटा जा रहा था, उसके बाद उनकी उनका मन इसी तरीके से बेचैन हुआ। बाद में प्रियंका उनसे मिलती हैं और जब खेल के बारे में आगे क्या करना चाहती हैं पूछती हैं, तो विनेश कहती है कि हम नहीं खेलना चाहते, हम टूट चुके हैं। तब प्रियंका गांधी उनको अपने अनुभव बता करके जिस तरह से प्रेरित करती हैं, अपना अनुभव, वो अनुभव बहुत संक्षेप में बोलूंगा कि जब राजीव गांधी जी का जो क्षत विक्षत शव टुकड़ों में जब उनको हासिल हुआ था, तब वो बहुत गुस्से में थी, और बाद में उनको समझ में आया कि जनता के प्रति मेरा प्यार वाला गुस्सा था और धीरे धीरे वो कम हुआ। ये पूरा जब संवाद करती हैं तो विनेश फोगाट फिर से खड़ी हो जाती है। विनेश फोगाट ये देश के सामने खुलासा करती हैं कि ओलंपिक खेलना अगर संभव हुआ है तो प्रियंका गांधी के कारण संभव हुआ है। तो ये संघर्ष की का जो अनुभव है, आपकी आवाज चली गई जी। एक तरफ ये संघर्ष का अनुभव है,
और दूसरी तरफ बेटी पढ़ाओ वाला जो नारा है उसका उसको चकनाचूर कर देने के लिए जो मोदी सरकार खड़ी दिखी, बेटी के साथ कभी नहीं दिखी, बेटी के का यौन उत्पीड़न करने वालों के साथ वो दिखी। ये सारी बातें हरियाणा की महिलाओं को एक उसके स्वाभिमान को जगा रही हैं। आज हरियाणा में चुनाव नतीजे बताएंगे, हरियाणा में अगर चुनाव बदल रहा है तो महिलाओं के कारण बदल रहा है, किसानों के कारण बदल रहा है, नौजवानों के कारण बदल रहा है। ये कई ऐसे फैक्टर्स हैं और हालत ये है कि नरेंद्र मोदी 48 घंटे पहले, चुनाव प्रचार खत्म होने के 48 घंटे पहले फरार हो जाते हैं, वो भाग जाते हैं मैदान छोड़कर। कुरुक्षेत्र का मैदान कांग्रेस ने ऐसे ही जीत लिया है क्योंकि विपक्ष की जो सेना है, उनकी स्पर्धी सेना जो है बीजेपी की, उसका सेनापति पीठ दिखाकर भाग खड़ा हुआ है। अब इससे ज्यादा बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है कि हरियाणा में सिर्फ चुनाव कांग्रेस नहीं जीत रही है, ये कितने ऊंचे पायदान पर जाकर के ये चुनाव जीत रही है, जो जो कि कोई नतीजों के बाद ही उस जो हम कह रहे हैं उसकी पुष्टि हो पाएगी। ये है हालात, हरियाणा के हालात ये हैं। जी शुक्रिया एक बार फिर राजीव जी। देखिए भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी इस बात के लिए जाने जाते रहे हैं कि वो अंतिम समय तक प्रयास करते हैं और जीतने की स्थिति में होने के बावजूद वो कभी इस हाल में कार्यकर्ताओं को नहीं छोड़ते कि वो थोड़ा शिथिल हो जाए, इसलिए वो इस रूप में जाने जाते हैं। और एक जगह चुनाव खत्म होता नहीं है कि दूसरे जगह के चुनाव की तैयारी शुरू कर देते हैं, इसके लिए भी जाने जाते हैं। इस बार भी दूसरे जगह की चुनाव की तैयारी तो दिख ही रही, इधर चुनाव चल रहा है और झारखंड में और इससे पहले महाराष्ट्र में जाके रेवड़ियां बांटना शुरू कर चुके हैं, जो उनका एक पैटर्न रहा है। तो लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हम देखें तो ये है कि जम्मू कश्मीर और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव को जीतने के लिए सारे प्रयत्न किए कि कैसे जीता जाए, और उसमें अनैतिक तरीके भी हैं जिसमें कि जो कि अलगाववादी तबका है उसको मदद करना, वो जम्मू कश्मीर में या फिर हरियाणा में जो छोटे छोटे दल हैं उनको खड़ा करना कि आप लड़िए, हम फिनेंशियल सपोर्ट दे रहे हैं। गोपाल कांडा जैसा उदाहरण है जो इनेलो के साथ जुड़ा हुआ है, साथ गठबंधन में, जो बीएसपी के साथ गठबंधन में है और बीजेपी गोपाल कांडा के खिलाफ में उम्मीदवार नहीं देती है, यानी ये बीएसपी, इनेलो, ये जेजेपी, ये सब तमाम जो पार्टियां हैं वो सब सपोर्टेड बाय बीजेपी है, ये सब सामने है। इसके बावजूद अंतिम जो एफर्ट्स वो दिखाया करते थे उससे वो पीछे हट गए हैं। हरियाणा में 2 दिन पहले चुनाव प्रचार खत्म होने से वो भाग गए हैं मैदान छोड़ करके। तो ये बात बताती है कि इन सारे प्रयत्नों के बावजूद वो निराशा का शिकार हुए हैं, और ये पहली दफा ऐसा देखने को मिल रहा है, इसके पहले ऐसा उदाहरण नहीं मिला था। तो हम ये देखते हैं कि पूरा एफर्ट्स लेने के बावजूद जनता का मन मस्तिष्क बदल पाना तो छोड़िए, अब जनता उनको सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। और एक बात जो हम आपके चैनल पे अक्सर कहा करते हैं, उसको यहाँ आपके प्रश्न से चूंकि जुड़ा है इसलिए दोहराना जरूरी है, वो ये कि इस देश में जो सर्वे करने वाली जो एजेंसियां हैं कि कौन सबसे ज्यादा पॉपुलर है, राहुल गांधी की नरेंद्र मोदी, ये एजेंसियां मतलब खामोश हैं, अप्रत्याशित रूप से खामोश हैं। उनमें से एक का सीएचडीएस के संजय सिंह का तो एक आया भी है टीवी में कि हरियाणा में राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी ज्यादा है नरेंद्र मोदी से। तो ये सर्वे वाले इस आंकड़े को लेके आते क्यों नहीं है कि देखो आंकड़ा, राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी ज्यादा है। तो जब ये बात सीएसटीएस को पता है, उनके संजय सिंह को पता है कि हरियाणा में पॉपुलैरिटी राहुल गांधी की ज्यादा है नरेंद्र मोदी के मुकाबले, तो नरेंद्र मोदी को सबसे पहले पता है, क्योंकि वो जब मास मीटिंग करते हैं
तो मास मीटिंग करने वाले नेता को जनता के साथ में एक कनेक्ट होता है। ठीक वैसे ही कि जब क्रिकेट में बॉलर होता है, बैट्समैन होता है और विकेट कीपर होता है, तो बॉल बैट में टच हो करके कैच हुई है कि नहीं हुई है ये बात बॉलर को पता होता है बैट्समैन से ज्यादा, और बैट्समैन को तो पता होता है, ये बॉलर को ज्यादा पता होता है। जी उसी तरीके से जनसभा करते हुए नेता को पता होता है कि हम कनेक्ट नहीं बना पा रहे हैं, जनता हमको नहीं सुन रही है, जनता शोर कर रही है, इधर उधर ध्यान दे रही है, ये नरेंद्र मोदी को सबसे पहले पता चला। और इसी का दूसरा दूसरा रूप है, आप इसको भी देखिए। उस दिन जिस दिन राहुल गांधी उसको बयां कर रहे थे, वो रूट डंकी रूट को, तो उस दिन तो इमोशनल बात थी, समझ में आता था कि पिन ड्रॉप साइलेंस होकर के जनता उनको सुन रही थी। लेकिन अब तो प्रियंका गांधी की सभा में भी पिन ड्रॉप साइलेंस रहते हैं, आज देखा हमने, पिन ड्रॉप साइलेंस था, कोई आवाज नहीं थी, जनता मंत्र मुग्ध होकर के प्रियंका गांधी को सुन रही थी। तो ये जो पैदा हुआ है, सीधे मास मीटिंग में आप देख सकते हैं कि किस नेता के साथ जनता है और किस नेता के साथ नहीं है। बहुत ज्यादा सर्वे करने की आवश्यकता नहीं है, आप देख सकते हैं। और इस बात को जनता से कनेक्ट करने वाले नरेंद्र मोदी सबसे पहले समझते हैं, इसलिए वो मैदान छोड़कर भाग चुके हैं कि अब हमारी बातों का कोई असर नहीं हो रहा है, हम कांग्रेस को गद्दार बोलकर थक गए, कांग्रेस को परिवारवादी बोलकर थक गए, कांग्रेस को देश को लूटने वाला बोलकर थक गए, कांग्रेस को देश को बर्बाद करने वाला बोलकर थक गए, अब जनता हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। जनता तो अब सिर्फ वही बात सुन रही है जो राहुल गांधी बोल रहे हैं, बेरोजगारी की बात सुन रही है, महंगाई की बात सुन रही है जनता, जनता ये सुन रही है कि ये पूरा देश अडानियों के हाथों में बेच दिया है, उनके लिए ही नीतियां बनती हैं और हम आम लोगों के लिए नीतियां नहीं बनती हैं। ये बात अब पहले तो इंटेलेक्चुअल स्विंग में होता था, आर्टिकल लिख के जाते थे इस विषय पर, राजीव जी आपको पता होगा लेफ्ट के लोग कितने आर्टिकल्स लिखते रहे कि ये कैपिटलिस्ट कंट्री हो गया है, पूंजीपतियों के लिए नीति बन रही है। लेकिन जनसाधारण की भाषा में जिस काम को क्रांतिकारी ढंग से राहुल गांधी ने कर दिखाया है कि देखो ये देश की नीतियां अंबानी अडानी के लिए बन रही है, तुम्हारे लिए नहीं बन रही है, अगर ये आता है अग्निवीर तो अग्निवीर इसलिए आता है क्योंकि आपके पेंशन का पैसा चुराना है, आपकी तनख्वाह का पैसा चुराना है, आपको 4 साल के बाद बेरोजगार कर देना है, और डिफेंस डील के नाम पर सारा पैसा उस अडानी को देना है जिसने कभी हथियार बनाया ही नहीं। ये बात सीधे वो समझा पा रहे हैं। अब इसका जवाब नरेंद्र मोदी के पास, उनकी टीम के पास, उनके बौद्धिक जगत में किसी के पास नहीं रह गया है। जी यही कारण है कि इतना बड़ा फर्क चुनाव के मैदान में दिखा है। और हरियाणा आप जानते हैं एक ऐसा प्रदेश है, अगर कांग्रेस ने हरियाणा जीत लिया तो वो कुरुक्षेत्र जीत जाएगा, वो पानीपत जीत जाएगा, वो देश का चुनाव जीत जाएगा। इस बात को नोट कर लिया जाए। जी कुरुक्षेत्र।